चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। जी हां, आज पूरे भारत में एक साथ टाइगर जिंदा है को रिलीज किया गया है। रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जैसे अफरा तफरी मचा दिया है। टाइगर जिंदा है में कटरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर हम फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो टाइगर जिंदा है ने पहले दिन करीब 60 करोड़ का कलेक्शन कर एक नया इतिहास बना दिया है। जी हां, टाइगर जिंदा है ने 60 करोड़ का कलेक्ट टाइगर जिंदा है ने 60 करोड़ का कलेक्शन कर एक नया इतिहास बनाते हुए फिल्म को सुपर हिट करा दिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में सलमान का जोरदार एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ फिल्म में कटरीना कैफ का भी एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ही रोमांचित करता है। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है सलमान खान और कटरीना कैफ की एक था टाइगर का सीक्वल है जो दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि फिल्म फर्स्ट वीकेंड में करीब 150 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि लगातार 3 दिन छुट्टियां होने के साथ ही साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर आती है वह सुपर डुपर हिट होकर एक नया रिकॉर्ड बनाती है। और फिल्म इस बात के लिए भी खास है क्योंकि कटरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी करीब 5 साल के बाद दर्शकों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि यह फिल्म अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है और यशराज बैनर के तले यह फिल्म बनाई गई है।